Now write a C program or C functions that will returns simple interest for given parameter. Parameter means PRT. But the formula of calculating simple interest is equivalent to principal multiply by rate of interest multiply by time or duration divided by 100. Here, in that case, inputs कितने required होंगे? 3 inputs, 1, 2, 3, PRT, where 100 is a constant value. That's why we are creating some function name SI, function name using as a SI itself, or you can take simple interest. Any readable name, simple interest. आर्गुमेंट्स में कितने इनपुट्स रिक्वायर्ड हैं? 3 इनपुट्स. या इनपुट्स आप इंटीजर्स के फॉर्म में भी यूज कर सकते हो और डबल और फ्लोट के फॉर्मेट में भी यूज करना पॉसिबल. वी आर यूजिंग डबल टाइप, डबल प्रिंसिपल रेट, आल्सो डबल टाइप, डबल और यू कैन टेक एज फ्लोट, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, डबल टाइम और ड्यूरेशन. इसका जब आप कैलकुलेशन परफॉर्म करो तो कैलकुलेशंस के रिजल्ट्स भी किस फॉर्म में आएंगे? ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ डबल. देन अब इसको कैलकुलेट करने के टू अप्रोच हैं. या तो पहले आप रिजल्ट कैलकुलेट करो देन सेपरेट वेरिएबल्स में असाइन करो, या फिर डायरेक्टली इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट राइट डाउन करोगे एज अ रिटर्न एक्सप्रेशन. रिटर्न पी मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई टी डिवाइडेड बाई 100. क्लियर?